हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुभूतिज डेली एप्रिन। आज मैं स्पेशली बच्चों के लिए उनका फेवरेट मैगडी का स्टफ गार्लिक ब्रेड लेकर के आई हूँ, क्योंकि लॉकडाउन में बच्चे ना बाहर जा सकते हैं ना बाहर का कुछ खा सकते हैं, इसलिए हमें घर पे ही उनके लिए उनकी फरमाइश की चीज़ें बनानी पड़ती है। तो आज मैं आपके लिए गार्लिक ब्रेड की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे मैंने ना ईस्ट और ना ही अवन में बनाया है, कढ़ाई में बनाया है इसे मैंने, और ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो चलिए हम चलते हैं और बनाते हैं डोमिनोज स्टाइल स्टफ गार्लिक ब्रेड विदाउट ईस्ट और अवन। लेकिन इसके पहले जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, जिन्होंने जो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने व्यूवर्स फीडबैक दीजिए कि उन्हें मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो चलिए टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं और हम किचन में चलते हैं और बनाते हैं डोमिनोज स्टाइल स्टफ गार्लिक ब्रेड। डोमिनो स्टाइल गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक कप मैदा लिया है, हमें एक कप मैदा और लेना है। ये हमारा सॉल्ट है, शुगर, चिली फ्लेक्स, हमें खट्टा दही लेना है, ये हमारा मिल्क है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, चॉप्ड अनियन चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, और ये स्टफिंग के लिए हमारा बॉयल कॉर्न है, और ये हमारा मोज़रेला चीज़ है जो ग्रेटेड है, और मैंने इसे फ्रीज़र में स्टोर किया था और मैंने इसे आधे घंटे पहले इसको निकाल के रखा है, और ये हमारा बटर है। ये मैंने एक कप मैदा डाला है, मुझे एक कप मैदा और डालना है। ये मैंने दूसरा कप भी मैदा इसमें डाल दिया है। चीनी, नमक, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, अच्छे से इसको मिक्स कर लें। अब इसमें दही डाल दें, ध्यान रखें दही हमें खट्टा लेना है, हल्का खट्टा। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हमें इसे सॉफ्ट डो इसका रेडी करना है। हमें बिल्कुल आटे को इस तरीके से खूब अच्छे से मलना है और इसका एक सॉफ्ट डो रेडी करना है। थोड़ा सा ऑयल डाल करके इसको और आप अच्छे से मिक्स कर लें। ऑयल का कोटिंग करके इसे हमें 15 मिनट तक छोड़ देना है। हमने बटर को पहले ही मेल्ट कर लिया था, अब इसमें हम चॉप्ड गार्लिक और कोरिएंडर लीव्स डाल करके अच्छे से मिला लेंगे। मैंने पैन में स्टैंड डाल करके उसको 5 मिनट के लिए गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। हो गया है, वापस एक बार फिर से हम अपने आटे को अच्छे से मसल लेंगे। मैंने इतना बड़ा बॉल लिया है और इसको अभी हम अच्छे से इसको बेलेंगे। मैंने चकले पे थोड़ा सा ड्राई आटा डाला है ताकि बेलने में दिक्कत ना हो। बेलन की सहायता से हल्का हल्का बेलें। ये देखिए, मैंने इस थिकनेस का ये मैंने इस थिकनेस की रोटी बेली है, आप भी ऐसे बेलें। हमारा बटर, कोरिएंडर लीव्स और गार्लिक वाला गार्लिक का पेस्ट जो है इसमें हम लगाएंगे, लेकिन हमें किनारे में नहीं लगाना है, इस बात का आप ध्यान रखना। एक साइड में आप मोज़रेला चीज़ डालें, बॉयल कॉर्न्स डालें, ऑरिगेनो डालें, चिली फ्लेक्स डालें, और फिर इसे इस तरीके से फोल्ड कर दें। इसके एजेस को आपको प्रॉपरली इसको बिल्कुल बंद करना है, नहीं तो ये फट जाता है। फोक की सहायता से आप इसके एजेस को और अच्छे से क्लोज कर दें। ब्रश की सहायता से ऊपर थोड़ा सा बटर लगा दें, थोड़ा सा ऑरिगेनो ऊपर भी डाल दें, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल दें, और बिल्कुल हल्का सा कट लगाएं। इसे एक प्लेट में मैंने ट्रांसफ़र किया है, अब हम इसे अपने पैन में डालेंगे। बहुत सॉफ्ट, बहुत संभाल के डालना, क्योंकि हमारा पैन बहुत गर्म है। ये देखिए, इसे मैंने पैन में डाला है मैंने, और बस इसका उस ढक्कन लगा देंगे, फ्लेम हमारा सिम रहेगा।
ऑलमोस्ट 10 मिनट के लगभग हमें इसे रखना है, फिर भी आप बीच में चेक करते रहें। ये देखिए हमारा गार्लिक ब्रेड कैसे बिल्कुल एकदम फूल रहा है। ये देखिए हमारा 15 मिनट हो गया है और हमारा गार्लिक ब्रेड बिल्कुल रेडी है। ये देखिए इसे मैंने इसमें निकाला है। ये देखिए बिल्कुल है ना डोमिनो स्टाइल, सो यमी सो चीज़ी। आप भी बनाइए खाइए और मुझे फीडबैक ज़रूर से दीजिए। ये देखिए बिना ईस्ट बिना अवन के डोमिनो स्टाइल गार्लिक ब्रेड घर में बिल्कुल रेडी है। इसे आप बस गर्म गर्म मेयोनीज के साथ खाएं और सबको खिलाएं, बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए फिर बनाइए खाइए और मुझे फीडबैक दीजिए और फिर से मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।